एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है कार्डियक साइकिल के बारे में। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स के बारे में, ECG के बारे में, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिकल इवेंट्स थे वो सारे खत्म कर लिए थे। और आज का हमारा लास्ट लेक्चर है कार्डियक फिजियोलॉजी का। कार्डियक फिजियोलॉजी का ये 4 लेक्चर है जिसमें हमें क्या पढ़ना है, कार्डियक साइकिल के बारे में। अगर आपने वो प्रीवियसली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को स्विच करिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो कार्डियक साइकिल क्या होती है? बेसिकली कार्डियक साइकिल जो है वो आपका 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल, मतलब जो आपका कॉन्ट्रेक्शन है एंड रिलैक्सेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। कि जो आपका एट्रियल है उसके कॉन्ट्रेक्शन को, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन को, एट्रियल रिलैक्सेशन को एंड वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को, पूरा जो हमारा मैकेनिकल इवेंट है किस तरीके से आपके 4 चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, वो ही हमारा कार्डियक साइकिल है। सेकेंड क्या है, जो कार्डियक साइकिल है इसके 2 मेजर फेजेस होती है, एक तो सिस्टोल होता है एंड सेकेंड डायस्टोल होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। यहाँ पर मैंने इसको मेंशन करा है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्स्ट में, कि जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होगा ब्लड इजेक्शन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिस्टोल। और फिर यहाँ पर जो है वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा और ब्लड की जब फिलिंग होगी, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल रिलैक्सेशन या वेंट्रिकल डायस्टोल। वैसे ही आपका एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन होता है और एट्रियल डायलेशन होता है या रिलैक्सेशन होता है। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल की यदि बात करें तो जो हार्ट बीट है वो आपको बताएंगे कि पर मिनट जो है वो 72 रेट से चलती है, मतलब कि हार्ट रेट ऑफ 72 बीट्स पर मिनट। ईच कार्डियक साइकिल का यदि टाइम ड्यूरेशन है, जो हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, 0.8 सेकंड का होता है, जिसमें 0.3 सेकंड जो है वो सिस्टोल है, बाकी 0.5 सेकंड आपका डायस्टोल चलता है। और टोटल 7 इवेंट्स कार्डियक साइकिल के हैं। अगर आप बहुत सी बुक में देखेंगे तो केवल 5 ही इवेंट्स मिलेंगे, लेकिन जब आप एडवांस मेडिकल फिजियोलॉजी पे जाएंगे तो आपको 7 इवेंट्स मिलेंगे। तो 2 इवेंट्स ऐसे होते हैं वो बहुत माइनर से इवेंट्स होते हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ऑल्दो मैं यहाँ आपको इसीलिए बता रही हूँ कि इन फ्यूचर अगर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाए। तो हम कितने पढ़ेंगे, टोटल 7 इवेंट्स पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के। तो हम पहले फर्स्ट इवेंट का बता कर लेते। तो पहले मैं आपको बताती हूँ जो आपका पहला इवेंट है वो क्या है, वो है आपका एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन। क्यों एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन है? क्योंकि जो हमारा डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन था, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इवेंट था, उसने सबसे पहले एट्रिया को ही कॉन्ट्रैक्ट किया था। कैसे? ऐसे नोड ने फायर करा था, ऐसे नोड ने फिर क्या करा था, जो उसकी इलेक्ट्रिकल वेव थी या फिर जो उसका कंडक्टेंस था वो लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम को सबसे पहले डिपोलराइज्ड करा था। और उसी के परिणाम स्वरूप, उसी के रिजल्टेंट आपको क्या मिलता है, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन मिलता है। तो पहला इवेंट हमारा क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, जिसे हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। और ये फर्स्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल होता है। सेकेंड क्या होता है, इट बिगिन व्हेन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट बाय SA नोड, द हार्ट नेचुरल पेशमेकर होता है एंड स्प्रेड थ्रू आउट द एट्रिया। तो ये क्या करता है कि बेसिकली ऐसे नोड ने जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिया है, तो जो मैंने पहले ही बता दिया कि लेफ्ट एंड राइट एट्रियम में इसको स्प्रेड करता है और आपका एट्रियल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन के टाइम एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट पुशिंग द ब्लड इन टू द वेंट्रिकल। अब ये कैसे होता है, मैं इसको अभी डायग्राम के फॉर्म में आपको बता दूंगी। पहले इस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखो, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम पूरा डायग्राम ड्रॉ करके उसको अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरा जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आएगा। एट द सेम टाइम वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, रिलैक्सिंग स्टेज में होगा। इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व जो है आपके ओपन होते हैं। और अब क्या होगा, द कॉन्ट्रेक्शन कंप्लीट द फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल विद द ब्लड, एडिंग द फाइनल विथ ऑफ द वॉल्यूम बिफोर द वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन के पहले ये क्या करता है कि वेंट्रिकल में पूरा ब्लड लाके भर देता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आपका एट्रिया जब कॉन्ट्रेक्ट करता है तो केवल और केवल 20% ब्लड की ही फिलिंग करता है। जो पहला आपका 80% फिलिंग है ब्लड का वो ऑलरेडी हो जाता है, वो आपकी पैसिव फिलिंग होती है। वो पैसिव फिलिंग क्या है जो हम आगे बताएंगे। तो ये जो पैसिव फिलिंग है, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई कॉन्ट्रेक्शन की जरूरत नहीं होती। सिंपली क्या होता है कि जो आपके वेल्व हैं वो ओपन होंगे, जो आपके बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व हैं
और आपका जो एट्रिया है वो 80% ब्लड से ऑलरेडी भरा हुआ रहता है। जब आपका कॉन्ट्रेक्शन होगा एवी नोड के थ्रू, जब आपको सिग्नलिंग मिलेगा डिपोलराइजेशन होगा, एट्रिया डिपोलराइज होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन केवल जो 20% फिलिंग रहेगी वो आपकी एट्रिया कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू फिल होती है। इसी वजह से अगर एट्रिया में कोई प्रॉब्लम है तो ये कोई सिवियर इंजरीज में नहीं जाता, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं और एक्सरसाइज के टाइम आपका 80-90% जो ब्लड है वो ऑलरेडी फिल कर दिया जाता है विदाउट एनी मैकेनिकल इवेंट्स, तो ये एक अच्छी बात है। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझो, यहाँ पर जो मैं डायग्राम बनाऊंगी वो मैं केवल बना रही हूँ लेफ्ट साइड का, ठीक है। तो ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका योटा, ये है आपका पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो है ये है आपके बाइकस्पिड वाल्व, और ये जो है दैट इज योर टेबल। तो मैं आपको ये जो फिनोमिना है जितने भी फिनोमिना वो लेफ्ट हैंड साइड की साइड से बताएंगे, बाकी सेम फिनोमिना अकर ऑन राइट हैंड साइड एज वेल, बस प्रेशर का डिफरेंस होता है। बाकी जैसे ही अगर ये यहाँ पे बेल बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, अगर एओर्टिक वाल्व लेफ्ट हैंड साइड पे एओर्टा के ओपन हो रहे हैं तो पल्मोनरी का जो है जो राइट हैंड साइड पे है वो प्रेजेंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इससे समझिए, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका ये जो ब्लड है ये यहाँ से एट्रिया कॉन्ट्रेक्शन के टाइम से आपका ब्लड आना शुरू हो जाता है कहाँ पे, वेंट्रिकल पे। तो अभी ये जो वेंट्रिकल था जब रिलैक्स स्टेज पे था तो यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं था, यहाँ पर प्रेशर कुछ नहीं था, ये जीरो था, जीरो प्रेशर था। और यहाँ पर चूंकि कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है। जैसे ही ये प्रेशर यहाँ कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे बढ़ा तो 80% फिलिंग तो ऑलरेडी थी ब्लड की, लेकिन कॉन्ट्रेक्शन हुआ प्रेशर बढ़ा और ये जो आपके वाल्व होते हैं दैट इज बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व वो ओपन हो जाते हैं। जैसे ही वो ओपन होंगे तो ब्लड अंदर की तरफ आएगा, और ब्लड अंदर की तरफ आएगा तो यहाँ से प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। तो आपका जो पहला इलेक्ट्रिकल इवेंट है उसमें आपको बस क्या याद रखना है कि इस इवेंट में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकेंड थिंग क्या है, आपके जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व हैं वो ओपन हो जाते हैं, और बाकी जो है वो सब मैंने आपको बताया है फिलिंग वगैरह के बारे में कि वो फिलिंग 80% होती है कॉन्ट्रेक्शन के बाद, बाकी की 20% फिलिंग हो जाएगी। और अब प्रेशर जो है यहाँ पे प्रेशर जीरो ही था। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इवेंट क्या है, आइसोमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज है, ये कैसी फेज है कि इस फेज में आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना जो है शुरू करेगा, मतलब प्रिपरेशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन की प्रिपरेशन होगी, बट नो ब्लड इज इजेक्टेड। इस फेज में ब्लड का इजेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट क्या है कि ये आफ्टर सिस्टॉल, जो आपका एट्रियल सिस्टॉल है उसके बाद आएगा एंड सिग्निफाई द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल सिस्टॉल, मतलब जैसे ही आपका एट्रियल सिस्टॉल खत्म हो गया और आपका वेंट्रिकल अब रिलैक्सिंग फेज में जाने वाला है उसी टाइम पे आपके वेंट्रिकल का सिस्टॉल मतलब कॉन्ट्रेक्शन शुरू होने वाला है, तब ये जो फेज है मतलब इनिशिएशन में जब कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है उसकी प्रिपरेशन आप कह सकते हैं, तब वो ये फेज अपीयर होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। नेक्स्ट क्या है, इस फेज में क्या होता है, आपके जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है ये दोनों क्लोज हो जाते हैं। अब क्लोज क्यों होते हैं, कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज करना शुरू होता है इस फेज में, ठीक है, और जो आपके एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व है वो भी आपके क्लोज होते हैं, और ब्लड जो है वो इज नॉट इजेक्टेड अंटिल द वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड दैट इन अ एओर्टिक एंड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है आपका 80 mmHg। अब ये क्या बोला है, इसको जरा डायग्राम के फॉर्म में समझो। इस फेज में क्या है कि आपका ये जो है ये क्या था, ये था हमारा लेफ्ट एट्रियम,
और ये क्या था? ये था योर्टा। फिर इसके बाद आएगा आपका ये लेफ्ट, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है आपका योर्टा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो योर्टा है इसका एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है? 80 mmHg। अब जब तक वेंट्रिकल का प्रेशर 80 mmHg से इंक्रीज नहीं करेगा, तब तक आपकी ये जो योर्टिक वेल्व है ये वाले, ये ओपन ही नहीं होंगे। क्योंकि देखो, कोई भी जो आपका डोर होता है या कोई भी बेल्व या दरवाजा कब ओपन होता है? जब प्रेशर देते हैं, जब अंदर से कोई प्रेशर आएगा, जब कोई खोलेगा, जब ओपन होगा, तब जाके ये ओपन होते हैं। तो जब तक यहाँ का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तब तक ये आपके बेल्व ओपन नहीं होते हैं। तो फर्स्ट इवेंट में क्या हुआ, ये बेल्व आपका ओपन था। अब ये जो आइसोमेट्रिक सिचुएशन होती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन की, या जो आइसोमेट्रिक सिचुएशन होती है, वहां पर ये आपके चारों बेल्व, एक तो आपका योर्टिक बेल्व, ट्राइकस्पिड बेल्व, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, बाइकस्पिड बेल्व एंड पल्मोनरी बेल्व। तो ये चारों के चारों बेल्व आपके क्लोज होते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर आपकी ब्लड की फिलिंग हो गई थी। अब ब्लड की फिलिंग हो गई थी तो टोटल 100% इसमें ब्लड भर गया था। अब जैसे ही 100% ब्लड की फिलिंग होगी तो क्या होगा, होगा ये कि जो प्रेशर जीरो था, अब वो सबसे पहले पहुंचेगा आपका 5 mmHg पे। तो जैसे ये 5 mmHg पे पहुंचता है प्रेशर, तो आपके ये जो मिट्रियल वेल्व होते हैं या आपके बाइकस्पिड वेल्व, ये तुरंत क्लोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, तो डर है कि ये जो ब्लड है ये वापस पुराने चैम्बर, मतलब एट्रिया में ना चला जाए। तो एट द प्रेशर ऑफ 5 mmHg आपके जो ये बेल्व होते हैं, बाइकस्पिड बेल्व, ये तुरंत बंद हो जाते हैं। तो अब ब्लड फ्लो यहाँ पे क्या है, जाने से रुक गया। लेकिन अब एट द सेम टाइम अप्रोच किसको करना है, योर्टिक बेल्व को, कि हम योर्टिक बेल्व से कहेंगे भाई आप ओपन हो, तब जाके तो ब्लड जो है वो हमारा पूरी पेरिफेरी पार्ट में जाएगा। तो ये 5 mm से बढ़ के कितना हो जाएगा, 80 mm। अब यहाँ पर ये 80 mmHg पे हुआ, तो अभी ये इसको अप्रोच करने लगा। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों का प्रेशर सेम है, तो 80 mmHg पर ये अप्रोच करता है। लेकिन ये फेज अगेन कैसी है, कि जहां पे ब्लड एकदम भरा हुआ है, प्रिपरेशन में है कि अब बस वेंट्रिकुलर को जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देना है और ब्लड का इजेक्शन कर देना, स्टिल अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये फेज है आइसोमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। क्योंकि यहाँ पे 4 के 4 वेल्व क्लोज रहेंगे। तो आपको इस फेज में क्या क्या याद रखना है, पहला तो ये है, ये इनिशिएशन फेज है ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, लेकिन ब्लड इजेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर जो 4 बेल्व होते हैं, बाइकस्पिड बेल्व, ट्राइकस्पिड बेल्व, योर्टिक बेल्व एंड पल्मोनरी बेल्व, ये चारों के चारों आपके क्लोज होते हैं। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो पहले 5 mmHg पे जाता है, तो आपके मिट्रियल बेल्व जो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। फिर प्रेशर बढ़ के आ गया 80 mmHg पे। अब थर्ड जो आपका इवेंट है, अब ये क्या है, थर्ड इवेंट है आपका रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अभी क्या था, अभी सिंपली प्रिपरेशन हो गई थी, हमने पूरे ब्लड को भी फिल कर लिया वेंट्रिकल में। अब रैपिड, क्योंकि सारी प्रिपरेशन आइसोमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन में हो गई है, अब बस हमें एग्जीक्यूट करना है। तो रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज बेसिकली क्या है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन को जो फॉलो करता है। और ये जो लिखा हुआ है, ये लाइन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन के ही कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करता है लेकिन ब्लड इजेक्ट नहीं होता है। बेल्व अब यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। कौन कौन से ओपन होंगे, योर्टिक बेल्व एंड पल्मोनरी बेल्व। वो कैसे होंगे, क्योंकि अब प्रेशर बढ़ेगा, मैं बताती हूँ कैसे बढ़ेगा। एफिशियंट इजेक्शन, क्योंकि फेज का ही नाम है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, तो योर्टिक और पल्मोनरी वेल्व जैसे ही ओपन होंगे, तो प्रेशर भी वेंट्रिकल का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जहां पे अभी 80 था अब वो पहुंच जाएगा 120 पे, कैसे मैं बताऊंगी। और तुरंत ही आपका जो ब्लड है वो इजेक्ट कर जाएगा, योर्टा से सीधा कहाँ चला जाएगा, सिस्टमेटिक में, और आपकी पेरिफेरी के पार्ट में जाएगा। और वहीं एट द सेम टाइम जो आपका राइट हैंड साइड का वेंट्रिकल है, पल्मोनरी से सीधा लंग्स में पहुंचेगा। और ये क्या करता है, रिड्यूस इजेक्शन। तो रैपिड वेंट्रिकुलर जो इजेक्शन है, स्टार्ट द फेज वेयर द ब्लड कॉन्टिन्यू टू फ्लो इन टू द सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो वही बात है, अब इसको डायग्राम के थ्रू समझो। ये क्या है,
ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, इसके बेल्व अभी भी क्लोज है, ओपन नहीं है, क्लोज है, ठीक है। फिर आपका ये है यूरेटर, आपने इसके वेल्व अब ओपन हो जाएंगे, कैसे? लेफ्ट वेंट्रिकल यूरेटर। अब होगा क्या कि अभी प्रेशर कितना था, जीरो से बढ़ के कितना आया था, फाइव। जब ये फाइव पे आया तो आपके मिट्रियल वेल्व क्लोज हो गए, फिर ये बढ़ के कितना गया था, 80। फिर ये 80 से बढ़ के आया 81, तो ये ओपन होना शुरू हुए। फिर ये सडन जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन होता है वो प्रेशर बढ़ता है और ये पहुंच जाता है 120 mmHg पर। इसीलिए जब भी हम ब्लड प्रेशर अपना मेजर करते हैं तो वो 120 और 80 पर इसीलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा योटा है इसका फिक्स्ड है कि 80 mmHg रहेगा। और जब हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब हमारा ब्लड बाहर निकलता है, पेरिफेरी की तरफ जाता है, तो मैक्सिमम प्रेशर होता है 120। इसीलिए हम ब्लड प्रेशर 80 और 120 पर ही मेज़र करते हैं और फिर देखते हैं, अच्छा अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम आ रहा है या प्रेशर लो है तो हम क्या कहते हैं कि भाई हमें ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स से भी लोग सफ़र करते हैं ब्लड प्रेशर जब कम होता है, ठीक है, तो वो इसी वजह से होता है, तो माप इसी बेसिस पे जो है किया जाता है। तो अभी ये सुनो पहले, अब क्या होगा जैसे ही यहाँ का प्रेशर बढ़ा तो ये सडन आपका जो पूरा ब्लड है ये बाहर की तरफ, मतलब योटा में जाना शुरू हो जाता है। तो यही आपका रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज है, जहाँ पर क्या है आपका जो प्रेशर था जो 80 mmHg था वहाँ पर बढ़ के आ गया है 120 mmHg, जो आपके योटा के प्रेशर से बहुत ज़्यादा है। योटिक बेल्व ने क्लोज कर लिए, पूरा ब्लड जो है रैपिड एकदम जल्दी से इजेक्ट हो गया और पेरिफेरी की तरफ चला गया। तो याद क्या क्या रखना है इसमें, बेल्व की ओपनिंग जहाँ पर आपको पल्मोनरी बेल्व ओपन रहेंगे योटिक, लेकिन आपके बाइकस्पिड बेल्व और ट्राइकस्पिड बेल्व स्टिल क्लोज बंद ही रहेंगे। फिर आपके बाद ये जो है ये जो अलाउ करता है ब्लड के इजेक्शन को। फिर नेक्स्ट फेज आती है स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन। ये जो फेज है ना ये बहुत कंपलसरी फेज नहीं है, बहुत ज़्यादा बुक्स में नहीं दिया जाता, ऑल्दो ये क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी तो योटा के जो वेल्व है वो ओपन है और मोस्ट ऑफ फिलिंग यहाँ पर हो गई है। अब होगा क्या कि जैसे यहाँ पे पहले 100% ब्लड था, अब जब ये ब्लड यहाँ पे जैसे ही गया तो ब्लड का अमाउंट भी कम हुआ प्लस में प्रेशर भी कम हुआ, तो ये जो जीरो से बढ़ के फाइव था, फाइव से बढ़ के 80 था, फिर ये 120 था, अब ये सडन डिक्रीज होना शुरू हुआ। जैसे इसका प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो फ्लो अभी रैपिड हो चुका था 120 के प्रेशर में, अब फ्लो रैपिड होने की वजह से प्रेशर भी कम हो गया और अब ये फेज कौन सी आ गई, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन, मतलब यहाँ पर जो ब्लड का इजेक्शन है वो बहुत स्लोली हो रहा है। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी फेज फॉर द वेंट्रिकुलर इजेक्शन, द कार्डियक साइकिल प्राइमरली इन्वॉल्व रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, और इसके बाद फिर ये करता है रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन विच इज डिस्क्राइब्ड द ब्लड द इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द मेजर आर्टरीज। मतलब वो ही है इसमें, सिंपली आपको इतना ही याद रखना है कि इसमें प्रेशर कम होने की वजह से जो इजेक्शन है वो भी कम होता है। फिर फिफ्थ नंबर का जो इवेंट है वो क्या है, आइसोमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। नाम से ही हमें पता चल रहा है, एक तो आइसोमेट्रिक है मतलब आपको सब चीज़ें क्लोज कर देनी है, पहली चीज रिलैक्स स्टेज में है वेंट्रिकल, रिलैक्स स्टेज में है मतलब पूरा जो ब्लड है वो उसने ब्लड योटा के थ्रू बाहर चला गया है, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में क्या है पल्मोनरी के थ्रू लंग्स में चला गया है। तो अब इसका डायग्राम कैसे होगा, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ये आपके एट्रिया है, ये आपका योटा है, योटा का भी वेल्व क्लोज कर दो, एट्रियम का भी वेल्व क्लोज कर दो, लेफ्ट वेंट्रिकल और यू, जब ये आपके चारों के चारों वेल्व क्लोज हो जाएंगे प्लस में आपके वेंट्रिकल का ब्लड का जो मैक्सिमम इजेक्शंस है वो आपका बाहर हो जाएगा, तब जाके ये सिचुएशन बनती है। तो इसको पढ़ लेते हैं, एंड ऑफ द वेंट्रिकल इजेक्शन, बिल्कुल सही है, जब वेंट्रिकल इजेक्ट कर देगा मैक्सिमम जो ब्लड है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फॉलो द रैपिड
और फिर आपका जो स्लो ब्लड इजेक्शन था एंड मेजर आर्टरीज, जो आपके बाइकस्पिड वेल्व है वो आपके क्लोज हो जाएंगे, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व भी आपके क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद जो है ये भी अगेन आपके बाइकस्पिड वेल्व का एंड ट्राइकस्पिड वेल्व का ही है। वेंट्रिकल रिलैक्सेशन स्टार्ट द रिलैक्स एज अ प्रेशर इन साइड इज डिक्रीजेस। अब एक चीज और इसमें देख लो, जो प्रेशर था वो 0 था, 5 था, 80 था, 120 था, और 120 से एकदम ही ये ड्रॉप हो गया। तो रिलैक्स स्टेज में कब आएंगे, जब एकदम भी प्रेशर नहीं लगेगा, जब प्रेशर खत्म रिलैक्स हो गए, प्रेशर पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो प्रेशर एकदम डिक्रीज हो जाता है इस स्टेज में। और इसमें आपको बस ये याद रखना है कि एक तो जो वेंट्रिकल है वो आपकी रिलैक्सिंग स्टेज में है, आपके जितने भी वेल्व हैं वो सारे क्लोज हो चुके हैं, जो मैक्सिमम ब्लड का इजेक्शन है वो आपका पल्मोनरी और योटा के थ्रू आपके पेरिफेरल पार्ट में हो चुका है। सिक्स इवेंट क्या आता है आपका, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। रैपिड जल्दी से, पैसिव विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनी कॉन्ट्रेक्शन, वेंट्रिकल पार्ट्स में फिलिंग ऑफ ब्लड, दैट इज कॉल्ड रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। अब इसमें क्या है, रैपिड मतलब कि एट्रियल डायस्टॉल बीइंग विद क्विक पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फ्रॉम द वेना कैवास एंड पल्मोनरी वेन। ये मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। जो आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व हैं वो बेसिकली ओपन हो जाएंगे, जो आपके एवी नोड है, जो आपके बाइकस्पिड वेल्व हैं, आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व हैं, वो सारे आपके ओपन हो जाएंगे, तभी तो आपके वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो होगा। ब्लड का फ्लो मूव फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल थ्रू द ओपन ऑफ एवी वेल्व। पैसिव प्रोसेस होगी, पैसिव प्रोसेस इसीलिए होगी बेस्ड ऑन द प्रेशर डिफरेंसेस विदाउट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की प्रिपरेशन अब यहाँ पर कर ली जाएगी। प्रिपरेशन कैसे, जैसे ही आपका ब्लड अगेन आपका एट्रिया में आएगा तो ये प्रिपरेशन करी जा रही है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की, क्योंकि 80% तो फिल हो जाएगा, जो मैंने आपकी पहली साइकिल में पहले इवेंट में बताया था कि 80% ऑलरेडी फिल है, वो इसी वजह से फिल है, वो बाकी का 20% कैसे कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होगा। तो होगा क्या, यहाँ पर आप देखिए ये वाले वेल्व ओपन है, एओर्टिक वेल्व आपके क्लोज है, और ये है आपका वेंट्रिकल। तो ये जो है फिलिंग होना शुरू हुई, तो अप टू कितनी होगी 80% ये वेल्व आपकी क्लोज है, तो ये कहलाएगी आपकी रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। फिर नेक्स्ट इवेंट जो है वो क्या, स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब ये बिल्कुल वैसी सी कहानी है जैसे हमने रैपिड इजेक्शन एंड स्लो इजेक्शन के बारे में पढ़ा था। जैसे ही आपकी 80% फिलिंग हो जाती है, 70% फिलिंग हो जाती है, तो बाकी का जो थोड़ा सा फिलिंग हो जाता है वो स्लोली होता है, तो वही बस वही है स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो डायग्राम एकदम सेम जाएगा, बस क्या होगा कि ये भी वही है। देखो ब्लड रिटर्न होता है हार्ट फ्रॉम द वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू ये राइट एट्रियम में आएगा, पैसिव फिलिंग की बात हो रही है। फिर उसके बाद आपके ए बी वेल्व जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व आपके ओपन होंगे और ब्लड जो है वो मूव करेगा वेंट्रिकल में, लेकिन कैसे मूव करेगा, स्लोली मूव करेगा, और नो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन प्रिपरेशन करी जा रही है कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। अब ये डायग्राम के फॉर्म में है, वही जैसे एट्रिया कॉन्ट्रेक्शन है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन के टाइम आपके एवी नोड क्या, एवी वेल्व क्या थे, ओपन थे, तो ये बाइकस्पिड वेल्व ओपन थे और ट्राइकस्पिड, लेकिन आपके ये जो एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व थे वो क्लोज थे। आइसोमेट्रिक में चारों के चारों वेल्व क्लोज है। फिर आपके रैपिड वेंट्रिकल इजेक्शन में आपके ये वाले वेल्व एंड ये वाले, मतलब कि आपका ट्राई एंड बाइकस्पिड वेल्व क्लोज था, लेकिन ये पल्मोनरी और यहाँ से एओर्टिक वेल्व ओपन थे। फिर नेक्स्ट आपका रिलैक्सेशन, चारों वेल्व आपकी क्लोज रहेंगे। फिर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में क्या होगा, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में आपका ये बाइकस्पिड वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व अगेन ओपन और एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व अगेन क्लोज। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो आप इसको भी देख लीजिए। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये ग्राफिक्स है। अब इस ग्राफ को देख के बिल्कुल डरना नहीं है,
और ये बिल्कुल मत सोचो कि ये टफ है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट पार्ट है कार्डियक फिजियोलॉजी का। कैसे? ये जो नीचे आपको रेड रेड लाइन में दिख रहा है, ये डिनोट कर रहा है आपके साउंड्स को। अब साउंड्स क्या है? हार्ट में साउंड दो टाइप के, अगर मेजर टाइप से कहें, वैसे बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, लेकिन टू टाइप्स के हम हमेशा पढ़ते हैं। एक हमारा होता है एस वन, जिसे हम लप कहते हैं, एंड सेकेंड होता है एस टू, जिसे डप कहते हैं। और ये जो साउंड है वो बेसिकली प्रोड्यूस होता है इन वेल्व के क्लोज होने से, जब आपके मेट्रियल बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल्व, मतलब जब आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व क्लोज होंगे, तब जो एस वन साउंड प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं लप। जब आपके पल्मोनरी और योर्टिक वेल्व क्लोज होंगे, तब जाके जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं डब। तो ये आपके साउंड को बता रहा है। ये जो सेकंड जो येलो येलो में दिख रहा है, ये आपकी ईसीजी को बता रही है। तो ये इसमें किया क्या गया है कि साउंड को, ईसीजी को, प्लस में आपके वॉल्यूम्स को और प्रेशर्स को, सबको मर्ज करके एक ही डायग्राम में दिखा दिया गया। लेकिन हम एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। तो ये जो नीचे का इतना पोर्शन है इसको अभी भूल जाओ, अपन केवल कहाँ, यहां से इतने में हम जो है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है मैं आपको इसको इंटरप्रिटेट करने वाली हूँ। ये क्या दिया है आपके बाई एक्सिस पे? दिया गया है प्रेशर, जो आपका प्रेशर है। प्रेशर क्या क्या बताता है? जैसे प्रेशर यहाँ पे कितना दिया है? 0, फिर 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। ये MMHg, ये प्रेशर है। अब अगर आपको एक चीज पता हो, तो मैंने आपको बताया जो आपका योर्टिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो 80 MMHg पे होता है। तो ये जो डेड डैश वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये क्या है? ये लाइन आपको दिखा रही है योर्टिक प्रेशर के बारे में। सिंपली ये समझ गए, जो भी लाइन, अगर आपको इस तरीके का एग्जाम में भी कोई ग्राफ पूछ ले रहा है और उसमें पूछ रहे हैं, जो भी लाइन आपको 80 के साइड से, जहां 80 से ओरिजिनेट हो, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके समझ जाइए कि ये आपका एओर्टिक प्रेशर है, क्योंकि 80 के आसपास और कोई प्रेशर नहीं रहता। जो आपका एट्रियल प्रेशर है, जो अगेन आपकी ये डेड डैश वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये जो एकदम जीरो जीरो प्रेशर के पास में, मतलब एकदम प्रेशर लेस होता है बेसिकली। क्यों? क्योंकि 80% फिलिंग तो वैसे भी पैसिव तरीके से हो रही है, 20% बस फिलिंग करनी है एट्रिया को, तो कितना ही प्रेशर जनरेट करेगा। तो ये क्या है? आपका एट्रियल प्रेशर है। फिर अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमें पढ़नी है वो है हमारे वेंट्रिकुलर प्रेशर के बारे में, क्योंकि पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल अगर प्रेशर की बात करें तो वेंट्रिकुलर प्रेशर से ही जो है चल रही है। तो होगा क्या कि यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ये दिखा रही है वेंट्रिकुलर प्रेशर को। तो जब प्रेशर जीरो पे था, इसका मतलब क्या था? जब प्रेशर जीरो है, वेंट्रिकल के पास कोई प्रेशर ही नहीं था, तो क्या था उस समय? आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व थे क्लोज, जब प्रेशर था ही नहीं, जब ब्लड था ही नहीं, क्योंकि ब्लड जब आएगा तभी जाके प्रेशर बनेगा। तो इसीलिए इस स्टेज पे आपके जो ए बी वेल्व है, जो आपके ट्राइकस्पिड, जो आपके बाइकस्पिड वेल्व है, वो क्या थे? क्लोज थे। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे फिलिंग हुई, पैसे फिलिंग हुई, तो पैसे फिलिंग हुई, और जैसे ही पैसे फिलिंग हुई, तो पैसे फिलिंग होने के पहले आपके वेल्व हुए ओपन और ब्लड का अंदर आना हुआ शुरू। पैसे फिलिंग होने के बाद ये प्रेशर इंक्रीज होके कहाँ आया था? 120 पे आया था। जब क्या हुआ था? 120 पे जब आया था तो रैपिड इजेक्शन हुआ था। तो बिल्कुल वही कोरिलेशन है। जीरो प्रेशर पे ये जो आपकी फेज है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई इवेंट नहीं हुआ था। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन नहीं शुरू हुआ था। ए बी वेल्व इस प्रेशर पे क्लोज थे, धीरे धीरे ए बी वेल्व ओपन हुए, पैसिव फिलिंग हुई, पैसिव जैसे ही फिलिंग हुई तो आपका प्रेशर बढ़ा, और जैसे ही प्रेशर ये बढ़ा तो आपका ए बी नोड यहाँ पर प्रॉपर एक्टिवेट हुए, ओपन हुए, और फिर यहाँ पे जब प्रेशर सबसे ज्यादा हुआ तो इजेक्शन हुआ। और ये जो फेज थी ये क्या थी? आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, क्योंकि जो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन था वहां पर सारे के सारे वेल्व क्लोज थे। तो ए बी वेल्व जब क्लोज थे, पल्मोनरी ओटिक वेल्व क्लोज थे, तो वो क्या था? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन। फिर उसके बाद ये वाली जो फेस थी, तो ये रैपिड इजेक्शन, जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर है, सबसे ज्यादा प्रेशर जहां पर भी आएगा वहां पर मतलब इजेक्शन होना है, रैपिड इजेक्शन।
फिर जैसे ही रैपिड इजेक्शन हुआ तो फिर उसके बाद आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन की फेज आई थी, क्योंकि रैपिड इजेक्शन के थ्रू जितना मैक्सिमम ब्लड जाना था वो पेरिफेरी तक पहुंच गया है। अब उसके बाद एक ऐसी फेज आएगी जहां पर चारों के चारों बेल्ब को क्लोज कर दिया जाएगा और वेंट्रिकल रिलैक्सिंग की स्टेज में पहुंच गया है। फिर जैसे ही रिलैक्सेशन की फेज आई उसके बाद ये यहाँ पर क्या हुआ रहा था, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग में क्या था, किसी तरीके का कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा था। तो प्रेशर केवल एक जगह इंक्रीज होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर या कार्डियक साइकिल में प्रेशर केवल एक जगह सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है, वो आपका कौन सा, रैपिड इजेक्शन फेज होती है जहां पर प्रेशर जाता है 120 तक। एट द सेम टाइम एओर्टिक वेल्व आपके ओपन होते हैं और आपका पूरा ब्लड जो है वो पेरिफेरी तक चला जाता है। तो बस इतना ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है इसमें। अगर आपके पास कभी भी ये डायग्राम आए तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो फेज है जहाँ मैक्सिमम है, मतलब वहां पर रैपिड इजेक्शन की, रैपिड वेंट्रिकल इजेक्शन की फेज है, उसके आगे जो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, देन आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, दैट्स इट। और फिर बस वो ही है, और अगेन ये दोबारा डिनोट कर दिया गया है। अब ये भी वही डायग्राम है, बस कलर चेंजेस हैं, वो थोड़ा सा डल था, ये थोड़ा सा ब्राइट है। ये आपके पढ़ने के लिए, जैसे आपने देखा ये 20 पे जो है ये एओर्टिक प्रेशर को डिनोट करता है, ये जो 00 पे आएगा वो आपका एट्रियल प्रेशर होगा, और वेंट्रिकुलर प्रेशर आपका चेंज होता है एक ऐसी फेज जहां पर इजेक्शन या फिर आपका वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है 120 तक जाता है, जहां पर आपके एओर्टिक वेल्व क्लोज हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और पूरा जो ब्लड है, मतलब मैक्सिमम ब्लड, पूरा तो कभी नहीं जाता, मैक्सिमम ब्लड का इजेक्शन जो है वो पेरिफेरी की तरफ हो जाता है। अब ये साउंड्स के बारे में जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि हार्ट में जो है साउंड बेसिकली प्रोड्यूस होता है वेल्व के क्लोज होने से। जो पहला साउंड है वो लव है, जो बेसिकली आपका ट्राइकस्पिड एंड वाइकस्पिड वेल्व की क्लोजिंग की वजह से होता है। सेकंड आपका लाउडर होता है, थोड़ा तेज साउंड होता है, जो सिग्निफिकेंटली किस वजह से होता है, पल्मोनरी एंड एओर्टिक वेल्व के क्लोज होने। अब ये देखो जरा कोरिलेशन ये बता देते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोरिलेशन ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इवेंट का मैकेनिकल इवेंट के साथ कोरिलेशन है। तो सबसे पहले कौन से इवेंट होंगे, सबसे पहले होंगे आपके इलेक्ट्रिकल इवेंट, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होंगे उसके बाद ही वो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, और जब वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे तो एक इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसी इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्स करा जाएगा मैकेनिकल इवेंट्स के थ्रू। तो सबसे पहले क्या आता है, ईसीजी एंड हार्ट फेजेस। तो ईसीजी वेव जो है रिफ्लेक्ट हार्ट कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, बिल्कुल वैसा सा है कि जब कार्डियक एक्शन पोटेंशियल होगा, जब ईसीजी क्या है, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन रिप्रेजेंटेशन ही है आपका एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर का। तो जब आपके एट्रियल और वेंट्रिकुलर में एक्शन पोटेंशियल होगा उसके बाद ही रिफ्लेक्ट करता है आपके हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन को। अब आपका जो एसए नोड है वो पी वेव को डिनोट कर रहा था। ऐसे नोड ने सबसे पहले क्या करा था, ट्रिगर करा था, फाइंड करा था एक्शन पोटेंशियल, और आपकी जो एट्रिया थी वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुई, डिपोलराइज्ड होना शुरू हुई। एसए नोड, एट्रिया डिपोलराइजेशन, पी वेव का फॉर्मेशन एंड एट्रिया कॉन्ट्रेक्शन। समझे क्या कहने का मतलब था, एसए नोड ने जैसे ही फायर करा आपके एट्रिया में डिपोलराइजेशन हुआ, ये पार्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इवेंट का। फिर उस डिपोलराइजेशन के बाद एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करा, ये पार्ट है आपके मैकेनिकल इवेंट का, मतलब कार्डियक साइकिल का। फिर एवी नोड कंडक्टेंस को डिले करता है, वेंट्रिकल सिस्टोल के पहले वाला इवेंट है बिल्कुल। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, एट्रियल रिपोलराइज, नहीं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड एट्रियल रिपोलराइजेशन, मतलब क्या है, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या एक्टिवेशन को डिनोट करता है, एंड द एट्रियल रिपोलराइजेशन इज यूजली नॉट विजिबल, छोटा सा फिनोमिना है, नहीं ईसीजी सेंस करता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, तो क्या होगा, अब इंफॉर्मेशन एवी नोड तक आई, एवी नोड ने शुरू कर दिया डिपोलराइजेशन करना वेंट्रिकल को, और जैसे ही वेंट्रिकुलर डिपोलराइज्ड हुआ, ये फिनोमिना है इलेक्ट्रिकल इवेंट का, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आपके वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करा, ये इवेंट है मैकेनिकल।
साइकिल का, मतलब कार्डियक साइकिल। टी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के थ्रू। तो अब क्या है, रिपोलराइजेशन कैसे होगा, जैसे ही आपकी बेसल सरफेस पे सिग्नलिंग गया, डिपोलराइजेशन हो गया, फिर वहीं से रिपोलराइजेशन होना शुरू हो रहा था, जैसे ही रिपोलराइजेशन होना शुरू हो रहा था कौन सी वेव बन रही थी, टी वेव। ये अगेन फिनोमिना है इलेक्ट्रिकल इवेंट का, लेकिन इसके रिजल्टेंट आपका वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, तो ये फिनोमिना है आपके मैकेनिकल इवेंट का, मीनिंग कार्डियक साइकिल। एट्रिया कॉन्ट्रेक्शन एंड साइकिल, तो एट्रिया कॉन्ट्रेक्शन रीस्टार्ट एंड साइकिल आफ्टर अ ब्रीफ रिलैक्सेशन, तो फिर से अगेन वही साइकिल शुरू हो जाएगी। तो ये तो लैंग्वेज फॉर्म में है, अब इसको मैं बता देती हूँ जरा ग्राफिकल फॉर्म में। पहला, सबसे पहले क्या है, एक्शन पोटेंशियल एंड एसए नोड। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एसए नोड में आया तो क्या हो रहा था, पी वेव का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि एट्रिया डिपोलराइज्ड हो गए, और उसी के रिजल्टेंट क्या हुआ, डिपोलराइजेशन इन एट्रिया, और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है आपके एट्रियल, जो आपके अपर चैम्बर है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। सेकंड इवेंट क्या है, जो एट्रियल मतलब इसी के कॉन्टिन्यूएशन में, ये आपका इलेक्ट्रिकल इवेंट है, और ये बात कर रहे हैं एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन की। तो जैसे ही आपका ये इवेंट हुआ कि डिपोलराइजेशन हुआ इन एट्रिया रीजन, जो एसए नोड के थ्रू एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करा गया था, तो उसके रिजल्टेंट आपका क्या हुआ, एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, और पी वेव का फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन। नेक्स्ट क्या है, डिपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल, तो आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सी वेव का फॉर्मेशन होगा, पी क्यू आर एस का, और सेकेंड इसी फॉर्म में इसको कह दिया जाएगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। ये है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जिसमें पी क्यू आर एस वेव है, और ये है आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन जो उस वेव के फॉर्मेशन या सिग्नलिंग मिलने के बाद ये इवेंट कंडक्ट हुआ है। फिर है आपका रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर आर टी वेव। तो ऑब्वियसली बात है, टी वेव का फॉर्मेशन तब हो रहा था जब वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन की स्टेज में था, और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मीनिंग की वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, मीनिंग की रिलैक्सेशन। अब ये अगेन कोरिलेशन है, तो अब आप इसको देख सकते हैं, जो आपका फर्स्ट साउंड है S1, वो मैंने आपको क्या बताया है, S1 जो है वो बेसिकली जनरेट होता है जब आपके ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व होते हैं क्लोज। तो ये क्लोज कब होते हैं, ये क्लोज तब होते हैं जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और पूरा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया है, और जो इजेक्शन की फेज है उसके पहले, इजेक्शन की फेज के पहले एट्रिया कॉन्ट्रेक्शन के बाद आपके जो वेल्व है वो हो जाते हैं क्लोज। तो S1 जो है वो इसमें ये वाली जो फेज है इजेक्शन के पहले ही क्लोज होते हैं, और S1 जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकंड साउंड क्या है, S2, S2 मीनिंग की क्या है, डब। ये कब होगा, ये आपका होता है रैपिड इनफ्लो, मतलब जैसे ही आपका रैपिड फ्लो हो जाता है, इनफ्लो हो रहा होता है, तो आपकी एट्रियम की जो वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व ओपन होंगे, एट द सेम टाइम आपके पल्मोनरी एंड एओर्टिक वेल्व क्लोज होते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं कि भाई अब वेंट्रिकल से तो सारा ब्लड निकल गया, एट्रिया से जो ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में वो डायरेक्टली ना चला जाए आपकी ओटा में या पल्मोनरी, उस प्रिवेंशन को रोकने के लिए जब वो वाले आपकी ओटा और पल्मोनरी वेल्व क्लोज होती है तो सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होता है S2। तो वो आपका कब प्रोड्यूस होता है, जब रैपिड इनफ्लो, पैसिव रैपिड इनफ्लो, रैपिड पैसिव इनफ्लो वाली जो सिचुएशन थी जहाँ पर 80% फिलिंग हो रही थी, उस समय वो वेल्व बंद होते हैं। तो ये उसका फिनोमिना है। S3 साउंड जो है वो टिपिकली प्रोड्यूस होता है, लेकिन बहुत कम इसको सेंस किया जाता है। तो S1 S2 को याद रखो। फिर आपकी ECG का डायग्राम है, तो यहाँ पर देखो ये जो है, ये है P वेव, Q, R, S and T। तो सबसे पहले क्या होगा, P वेव आएगी, P वेव जब आएगी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही आपका ये QRS, ये वाला फिनोमिना बनेगा, मतलब ये वाला फेज जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इवन रैपिड इजेक्शन की फेज है, लेकिन जब ये आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, ये प्रिपरेशन कर रहा था काय का, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन का,
तब जाके आपका ये कॉम्प्लेक्स पहले फॉर्म होगा। तो ईसीजी की जितनी भी वेव है ना बेटा, वो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के पहले आ जाएंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इवेंट है, पहले ये होगा, उसी के रिस्पॉन्सेज में आपके मैकेनिकल इवेंट होंगे। तो पी वेव हमेशा जो आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके पहले होगा, जो आपका वेंट्रिकुलर इजेक्शन होना है, जो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन की फेज है, उसके पहले ही आपका QRS मतलब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का फेज होगा। फिर टी वेव जो है वो रिपोलराइजेशन को बता रहा है, मतलब इस फेज को बता रहा है, तो उससे पहले जो है वो आपका वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मतलब टी फेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक तरीके से कोरिलेशन है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप जरा देख लीजिएगा। जैसे अगर आप वेल्व क्लोजिंग की बात करें, जब आपका आइसोमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन की सिचुएशन बनती है, क्योंकि अगर आपको याद हो 7 मैकेनिकल इवेंट में 2 मैकेनिकल इवेंट थे, पहला आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन था वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन एंड आइसोमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, यहाँ पर जो आपके 4 के 4 वेल्व्स थे वो क्या थे, क्लोज थे। स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग द स्ट्रोक। तो वेंट्रिकल से किस तरीके से वेंट्रिकल में जितना भी वॉल्यूम इजेक्ट हो रहा है वो आपका कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। अभी हमने ब्लड वॉल्यूम के बारे में बात नहीं करी क्योंकि इससे बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं स्ट्रोक वॉल्यूम को नहीं शायद बताऊंगी यहाँ पे, लेकिन जो जो हमारा इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है वो हम डिस्कस करेंगे सारा। फिर हमारा क्या है, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन। जो आपका एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन है, 80% जो फिलिंग है वो पैसिव फिलिंग होती है, ओनली जो 20% है वो एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू होता है। फिर क्या है, सिमिलर इवेंट एट द राइट साइड। तो अभी जो मैंने पूरा इवेंट बताया वो लेफ्ट हैंड साइड के कॉन्ट्रेक्शन बताया है, बाकी राइट हैंड साइड पे भी ये सारे इवेंट्स होते हैं, बस प्रेशर जो है वो वेरिएबल होता है। हार्ट चैम्बर की यदि हार्ट चैम्बर प्रेशर चेंजेस की बात करें, तो चेंजिंग हार्ट चैम्बर प्रेशर अलाउ द ब्लड टू फिल एंड टू बी इजेक्टेड। जो मैंने आपको डिफरेंट प्रेशर बताया, कैसे 0 से 5, फिर 5 से 80, फिर 80 से 120, तभी जाके वो अलाउ करता है आपके इजेक्शन के लिए, और जब प्रेशर 0 होता है तो वो अलाउ करता है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है, टर्म्स हैं, तो आपको याद रखने हैं। अब PYQ की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप पहले जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लो, खुद से करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर मैं करवा ही रही हूँ, ठीक। क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकिंग फॉर द एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल इन अ नॉर्मल हार्ट आर TA, मतलब ये टी फॉर टाइम, ए फॉर एट्रियल, एस फॉर सिस्टोल, और वैसे ही टाइम फॉर एट्रियल डायस्टोल। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए क्या दे दिया गया है, TVS। तो क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट करिए वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक टाइम, मतलब एक ये फॉर्मूला चाह रहे हैं कि आप एक हमें फॉर्मूला बता दीजिए। अब ये इतना सिंपल सा है, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स इसमें लगी। अगर आपको एक ही चीज पता है, आपको पता है कि 1 कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल, मतलब एक कार्डियक साइकिल में एक बार एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन होगा, एक बार एट्रिया का रिलैक्सेशन होगा, एक ही बार वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन होगा, एक ही बार वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा। बट एट द सेम टाइम जो आपका एट्रिया का जब कॉन्ट्रेक्शन चल रहा होता है तो आपका वेंट्रिकल रिलैक्स्ड फॉर्म में है, जब आपका वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन है तो आपका एट्रिया रिलैक्स्ड फॉर्म में है। मतलब ये जो दोनों साइकिल है, साइकिल एक ही है, ये जो दोनों फिनोमिना है वो पैरेलली चल रहे हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट है तो दूसरा रिलैक्स्ड है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है तो पहला रिलैक्स्ड है, लेकिन चल साथ में ही रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका TAS जो आपका टाइम फॉर एट्रियल सिस्टोल प्लस टाइम ऑफ एट्रियल डायस्टोल, तो जितना टाइम इतना इसमें लगेगा उतना ही तो टाइम फॉर वेंट्रिकल सिस्टोल प्लस टाइम फॉर वेंट्रिकल डायस्टोल, ऐसे होगा ना कि मतलब जितना इसमें टाइम लगेगा उतना ही इसमें लगेगा, सिंपल सी बात है।
जितना टाइम पहली साइ पहले फिनोमिना में लगेगा उतना ही टाइम दूसरे फिनोमिना में रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलली हो रहे हैं और एक ही टाइम पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एट्रिया ने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फिर रिलैक्स कर लिया, अब कहा जा रहा है अब आप वेंट्रिकल, अब आप कॉन्ट्रैक्ट करो, अब आप रिलैक्स करो, ऐसा नहीं है, ये पैरेलली हो रहा है। तो इसको सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू अगर आपको ये थ्री वैल्यूज दी है, ये दी है, ये दी है, ये, और इसको अगर निकालना है तो ये कैसे कैसे निकलेगा, ये कुछ इस तरीके का होगा टी ए एस प्लस टी ए डी इज इक्वल टू टी भी एस प्लस टी भी डी, जितना टाइम उतने इसमें लगा इज इक्वल टू उतना ही टाइम इसमें लगेगा। तो हमें निकालना क्या है, टी भी डी इज इक्वल टू क्या होगा आपका टी ए एस प्लस टी ए डी माइनस TVS। ये आपका एक सिंपल सा फिनोमिना है, या फिर ये इतना करने की जरूरत ही नहीं, आपको सीधा ही पता है कि ये सीधी एक साइकिल है जिसमें दोनों फिनोमिना साथ में हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि एक साइड के जो एट्रिया वाले फिनोमिना है उनको सबको प्लस कर दो और बाकी आपको एक वैल्यू दी है माइनस कर देंगे तो लास्ट का आपका बचेगा। तो जो आपका पहला फॉर्मूला है वो आपका एकदम सही है, और बाकी का ये जो है ये आपके एक्सप्लेनेशंस के लिए है, तो आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन 2011 में जून में पूछा था और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 2011 में ही दिसंबर में पूछा है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वही दोहरा दिया है, बस उनने ये पूछा है कि आप बताइए फॉर अ नॉर्मल हार्ट द टाइम टेकिंग टू द एट्रियल सिस्टोल एंड द डायस्टोल आर एज एन दिस दिस दिस, मतलब कि ये जो है एट्रियल सिस्टोल के लिए है और ए डी जो है एट्रियल डायस्टोल के लिए, वाइल द सेम फॉर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल, बिल्कुल सही है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला बता दीजिए, तो पहला ही आंसर है भाई इसका, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आराम से पढ़ लेना अच्छे से। अब ये जरा थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज कर लो, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। शुरू करें, क्वेश्चन क्या है, द चेंज इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वर्क, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा है एल वी एस डब्ल्यू, लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वर्क अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जिसे एल वी ई डी पी कहा गया है, विच इंडिकेट द इनिशियल मायोकार्डियल फाइबर लेंथ इन अ डॉग अंडर द कंट्रोल कंडीशन वी आर रिकॉर्डेड इन हॉलो स्टार्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेसिकली बस इतना कह रहा है कि एक डॉग है उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, अंडर द कंट्रोल कंडीशन में उन्होंने एल बी एस डब्ल्यू एंड एल बी ई डी पी दोनों को रिकॉर्ड करा। एक डॉग है जो अंडर रेस्टिंग सिचुएशन है, कंट्रोल सिचुएशन है, जिसे किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं है, ना किसी तरीके की कोई दवाई मेडिसिन या इंजेक्शन दिया गया है, उसमें उन्होंने क्या रिकॉर्ड करा है, एल बी एस डब्ल्यू, जिसे कहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वर्क एंड डायस्टोलिक प्रेशर, इनको रिकॉर्ड करा है। फिर उन्होंने क्या कहा, बाकी दिस एल वी एस डब्ल्यू एंड एल ई बी डी पी रिलेशनशिप वॉज इन्वेस्टिगेटेड इन द सेम डॉग आफ्टर द कॉन्स्टेंट इन्फ्यूजन ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मिक्स कंसेप्ट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम को भी लेके आ गए हैं, प्लस में ये साथ में यहाँ पे आपको बता रहे हैं हार्ट के बारे में भी, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अब उनने क्या कहा, उसी डॉग में उनने कुछ टाइम बाद क्या किया है कि इन्फ्यूजन करा है नोरएपिनेफ्रिन का, कॉन्स्टेंट इन्फ्यूजन, और उसका भी डेटा रिकॉर्ड करा। तो फिर उन्होंने ये ग्राफ ड्रॉ करा है, अब वो पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि इनमें से कौन सा एक्यूरेट ग्राफ है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट हो रहा है जब आपको सिंपैथी की जरूरत है, जब आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई थी, जब आपको फियर फ्लाइट एंड फ्राइट जैसी सिचुएशन आपके सामने थी,
तब जाके सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट था और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के रिजल्टेंट सिक्रेशन हो रहा था एपिनेफ्रिन का एंड नॉरएपिनेफ्रिन का। और ये जो आपके एपिनेफ्रिन थे नॉरएपिनेफ्रिन थे, ये आपकी हार्ट रेट को करते थे इंक्रीज। तो अगर आपको इतना ही पता है ये जो आपकी हार्ट रेट है नॉरएपिनेफ्रिन के देने से इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वर्क है प्लस में जो आपका प्रेशर है वो भी आपका इंक्रीज होगा। तो आपको एक ऐसा ग्राफ चूज करना है जो कंपेयर मतलब कंट्रोल के कंपैरिजन में ज्यादा बताए इन दोनों वैल्यूज को। तो ये जो ब्लू लाइन है ये कंट्रोल को डिनोट कर रही है, डेड डैश लाइन आपकी एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन वाले ट्रीटमेंट को कर रही है। तो ये जो पहला है पहले ग्राफ में देखो वो क्या कह रहे हैं कि कंट्रोल जो है उसकी वैल्यू इतनी है और वहीं पर नॉरएपिनेफ्रिन की वैल्यू कंट्रोल के कंपैरिजन में कम है। क्या क्या कम है? एक तो एल वी एस डब्ल्यू भी कम है, प्लस में एल ई वी डी तो है इक्वल चल रहा है चलो, लेकिन एल वी एस डब्ल्यू कम है तो ये गलत बात है। सेकंड अगर आप देखोगे तो क्या है, ये कंट्रोल का ग्राफ है और कंट्रोल के कंपैरिजन में एल वी एस डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो बड़ी है। एल वी एस डब्ल्यू मतलब कि आपकी वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वर्क जो है वो बड़ा है, वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वर्क बड़ा होगा तभी जाके आपकी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगी, और नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से इंक्रीज होगी तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो वो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ये आपका सही आंसर है। ये तो अलग ही फिनोमिना दे दिया, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, जब वो पहले ही कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टेंट दे रहे हैं तो एक ही होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये भी सिमिलर है तो ये तो खत्म काम है इनका। ये जो आपका है बी वो मोस्ट एक्यूरेट है। तो आपको देखा अगर आपको एक छोटा सा भी कंसेप्ट पता है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, बस आपको थोड़ा शांति से पेशेंस के साथ चीजों को पढ़ना है। आप जितना पेशेंस के साथ चीजों को पढ़ेंगे उतने अच्छे से उसके जो भी लूप होल है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व करो। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना ये मिक्स कंसेप्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे बस मैंने इसको इन्वॉल्व कर दिया कि इन्फॉर्मेशन के उसमें दे दूँ। ये जो मेयर्स वेव होती है ना ये बेसिकली न्यूरोनल कंट्रोल का पार्ट है। जैसे कि जैसे जब न्यूरोनल कंट्रोल जब आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होता है थ्रू न्यूरोनल कंट्रोल तब जाके आपकी ये जो वेव्स हैं वो बनती हैं, तो ये इसका पार्ट नहीं है। ऑल्दो इसमें ब्लड प्रेशर भी इंक्लूड था तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें मोर देन टू टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम मिसलिनियस कंसेप्ट कहते हैं, ये वही वाला क्वेश्चन है। तो लेकिन आप इसको ना एक कॉमन सेंस के थ्रू जरूर अच्छे से सॉल्व कर लेते। पहली चीज क्या है कि सिस्टोल एंड डायस्टोल जब हमने वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन पढ़ा था तो हमने कोई मेयर वेव पढ़ी थी क्या? हमने उसमें क्या क्या जब हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल की बात करी थी तो उसमें आपका क्यू आर एस एंड टी क्यू आर एस टी वेव था, वहां पर कोई मेयर वेव नहीं थी, तो ये ऑप्शन तो गलत है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन जो हमारी नेक्स्ट अब फिजियोलॉजी क्योंकि ये हमारी लास्ट क्लास है कार्डियक फिजियोलॉजी की, जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस आएंगी वो रेस्पिरेशन पे ही आएंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी उसमें भी मेयर वेव जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन भी एक्सक्लूड हो गया। रिफ्लेक्स ऑसिलेशन ऑफ न्यूरोनल प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म ये इसका पार्ट है। और ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स अगर आपको याद हो जब मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ब्रेन ब्रिज के बारे में बताया था, जो पोन्स वेरोलाइज होते हैं जो बेसिकली ब्रिज के जैसा काम कर रहा था, जब मैंने उसमें भी आपको बताया था तो इस वेव का कोई नाम नहीं आया था। तो अगर आपको इतना ही याद रहेगा तो उतने में भी आप इसको सॉल्व कर लेते। तो ये जो है थर्ड ऑप्शन सही है और ये आपके एक्सप्लेनेशंस के लिए बेसिकली कि जो मेयर वेव है आर शो द ऑसिलेशन इन ब्लड प्रेशर टिपिकली अकरिंग विद अ पीरियड ऑफ अराउंड 10 seconds। और ये कब, ये बेसिकली न्यूरोनल कंट्रोल का है, अगर टाइम रहा तो मैं उसको कंट्रोल कराऊंगी तो उसमें हम ये वाला जरूर पढ़ेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चंस थे, आपने देखे कि काफी बेसिक क्वेश्चंस थे कार्डियक साइकिल के भी जिनको आपने इजीली सॉल्व कर लिया। तो अगेन मैं वही बात मेंशन करूंगी कि एनिमल फिजियोलॉजी में बहुत ऐसे टिपिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लिए पेशेंसफुली पढ़ लिए तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। जो एनिमल फिजियोलॉजी में वो 4 marks के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रही तब तक अच्छे से इनको रिवाइज करो, रिकॉल करो,
और कोई भी अगर क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के बारे में। तब तक के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन एज वेल। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।